हेलो गाइस, प्रजापति स्टॉक में आपका स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस वीडियो आपको मिलते रहे। अब देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए क्या मोमेंट हो सकता है। जैसे कि कल एनालिस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है कल ओपन होने के बाद, अगर इस मार्केट अगर आज ओपन होने के बाद मार्केट अगर 37,000 को क्रॉस करता है तो आप अग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया तो मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड देखा और मार्केट ने वापिस से रिकवर कर लिया। अगर कभी भी एक चीज़ नोट कर लेना, अगर मार्केट कभी भी 11 बजे से पहले 400 से 500 पॉइंट गिर जाता है, नीचे डाउन साइड में गिर जाता है या अप साइड में कभी ऊपर चला जाता है, तो 11 बजे से पहले 12 बजे से रिवर्स हो जाता है मार्केट और 50% तक मार्केट चला जाता है, 50% तक मार्केट अगर चला जाता है तो वो वापिस नीचे नहीं आता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर। तो देखते हैं कल के लिए क्या मूवमेंट हो सकता है। अगर मार्केट कल के लिए, अगर बैंक निफ्टी अगर कल इस लेवल को क्रॉस करती है 37,300 को, 37,300 को ऊपर क्रॉस करती है फ्लैट ओपन होने के बाद, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को क्रॉस करती है तो यहाँ बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि इसने जो क्लोजिंग दी है वो अच्छी जगह दी है, अप साइड में क्लोजिंग दी है, ऊपर की साइड क्लोजिंग दी है। तो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल बनाया जाता है, ग्रीन कैंडल बनाया जाता है, तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। और सेल की जो पोजीशन करनी है तो आपको अग्रेसिव जो सेलिंग देखने की मिलेगी वो आपको 36,800 या 900 के नीचे ही देखने को मिलेगी आपको अग्रेसिव सेलिंग। और यहाँ पे जो सपोर्ट है 580 का, यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो अगर 900 के नीचे आता है तो मार्केट सीधा 36,200 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है 36,580 का, यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो अब कभी भी अगर नीचे आता है तो ये जो सपोर्ट होगा इतना पावरफुल नहीं रहेगा। अगर गैप अप होता है तो गैप अप, अगर मार्केट कल अगर गैप अप ओपन होता है तो आज के क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट बना के मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है। और गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद अगर 900 को क्रॉस करता है, 900 के यहाँ पे नीचे क्रॉस करता है तो आप अग्रेसिव बाय पुट की पोजीशन बना सकते हो इसके अंदर। अब देखते हैं निफ्टी के अंदर कल क्या मूवमेंट हो सकता है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली बिहेव कर रहा था यहाँ पे, इन द एंड में मार्केट ने अच्छा ये 11 बजे से बाहर वापस मार्केट ने थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाया और क्लोजिंग जो दी स्ट्रॉन्गली क्लोजिंग दी है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ये सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इससे ऊपर बाइंग अगर ट्रेड करता है, 550 के ऊपर ट्रेड करता है या 600 के ऊपर आप जो ट्रेड बनानी है, कॉल की जो पोजीशन बनानी है वो 17,600 के ऊपर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो पॉजिटिव साइड क्लोजिंग दी है अगर कॉल की पोजीशन बनानी है तो। अगर पुट अगर आपको मार्केट अब अगर गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ तो इस सपोर्ट से लेकर ये सपोर्ट बना के मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट बना के मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। अगर गैप डाउन हुआ तो आपको इस लेवल तक वेट करना है, 17,370 के नीचे ही आपको अग्रेसिव सेलिंग देखने की मिलेगी, वरना आपको अगर गैप डाउन होता है तो कम क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो, जो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना कल के दिन, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा सा अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट हो रहा है, तो जो भी ट्रेड करना कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। अगर ये सपोर्ट का ब्रेक करे तो आप क्वांटिटी एड कर सकते हो, और यहाँ पे ऊपर की साइड अगर 17,600 को क्रॉस करता है तो आप अच्छी बाइंग की तरफ देख सकते हो। तो वैसे आप मैं टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के लिए डेली एक बैंक निफ्टी की डेली पोस्ट डालता हूँ मैं, तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।